Hey people, welcome back to a new day and welcome back to the new vlog. आज है हमारे पास एक Ford Fiesta और ये भी flooded है. So let me show you. तो guys ये रही Ford Fiesta और ये भी पूरी flooded है. अंदर पूरा पानी भरा हुआ है. तो वैसे तो आज मैं time पे garage पहुंच गया हूँ, लेकिन इसका भी interior पूरा strip हो चुका है. ये देखो, तो इसमें भी देख लो कितना पानी भरा हुआ है. उधर भी भरा हुआ है. तो इस टाइम 11 बज रहे हैं और मुझे आए हुए 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन भरत भैया ने मेरे यहाँ से पहले ही पूरी गाड़ी का इंटीरियर पूरा निकाल के बाहर कर दिया है. तो अभी इसमें से पानी भी निकालेंगे. सो गाइस ये देखो इतना पानी निकला है गाड़ी में से. तो ये सारा अभी का नहीं है, सीटें खुलने से पहले भी वैक्यूम किया था तो तब निकला था, बाकी अब निकला है. तो विनोद भी अब इसको जाके ड्रेन करेंगे. बट ये है सारा फोर्ड फिएस्टा गाइस. ये देखो कितना पानी निकला, प्लस ये पड़ा है फोर्ड फिएस्टा का पूरा कारपेट नीचे का. इसमें देखो कैसे पानी निकल रहा है, ये सारा पानी इसमें निकल रहा है, प्लस कुछ चीज़ें वहाँ सूख रही हैं. सो गाइस एज यू जस्ट सॉ कि इसमें से कितना पानी निकला. वैसे तो ये जितना निकला है बहुत कम है. सुबह जब ये गाड़ी आई थी ना तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, और सचिन ने मुझे बताया कि वो ये गाड़ी सेकंड बेसमेंट से निकाल के लाया है और ये गाड़ी आधी पानी में डूबी हुई थी. प्लस मुझे पता नहीं कि आपने नोटिस किया है या नहीं, इसकी हेडलाइट में भी पानी भरा हुआ है. मैं आपको एक बार दिखाता हूँ. भाई सचिन के साथ मोंटी साथ गया था गाड़ी लेने, तो मोंटी इसमें कितना पानी भरा हुआ था? यहाँ तक पानी भरा हुआ था. एंड गाइस आप यहाँ पे निशान भी देख सकते हो, और ये नीचे देखो ये सारी मिट्टी लगी है. तो इसमें सही में यहाँ तक पानी भरा हुआ था. प्लस मोंटी कह रहा है कि अंदर ग्लव बॉक्स में भी पानी है. ये देखो सारा पानी भरा हुआ है. और इसकी हेडलाइट मैं आपको दिखाता हूँ, हेडलाइट में भी पानी भरा हुआ है. हिलाइयो, ये देखो बस 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 दोनों हेडलाइट में गाइस पानी भरा हुआ है. तो बेसिकली गाड़ी पूरी आधी यहाँ तक डूबी हुई होगी. जैसे मैंने आपको दरवाजे में लाइन दिखाई, इधर भी होनी चाहिए. ये देखो यहाँ तक है, ये रही लाइन. ये गाड़ी यहाँ तक पानी में डूबी हुई थी गाइस. इसकी हालत देख लो. ये देखो डिक्की में बचा है कुछ, डिक्की साफ कर दी. डिक्की में भी ये कह रहा है यहाँ तक पानी रहा, क्योंकि ये ढलान पे खड़ी हुई थी. यहाँ तक पानी. प्लस गाइस ये फोर्ड फिएस्टा स्टार्ट भी नहीं है, इसको क्रेन से ही सेकंड बेसमेंट से बाहर निकाला था और क्रेन से ही ये यहाँ पे आई थी. तो ऑब्वियसली जब गाड़ी आधी पानी में डूबी होगी तो स्टार्ट भी कैसे होगी. तो अब आगे देखते हैं इसका क्या प्रोग्रेस होता है. और आज वेदर भी बहुत अमेजिंग हो रहा है, ये देखो. तो देखते हैं आगे का दिन कैसा जाता है और आगे क्या क्या होता है. गाइस अभी अभी हमने इसका ECM खोला है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है. इसमें पूरी पानी की स्लॉशिंग साउंड आ रही है. तो ये तो आई थिंक नहीं डलेगा. ऑब्वियसली इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के बिना तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी. प्लस यहाँ पे भी ये पूरा मॉइस्ट है, इसका जो पूरा होता है थर्मल ब्लैंकेट ये पूरा गीला पड़ा हुआ है. तो गाड़ी की इन शॉर्ट पूरी बैंड बच गई है. फाइनली इसका ECM खोल दिया है और ये देखो कितना पानी निकला है इसमें से. ये पूरी प्लेट भी इसकी गीली पड़ी है, प्लस पूरा पानी भरा हुआ था जो कि यहाँ पे गिर रहा है.
तो ये पूरा ECM जो है इसका पूरा भरा पड़ा था पानी से। तो इसको खोलते हैं, देखते हैं ड्राई करके, और कहीं से अगर विजुअल हमें शॉर्ट सर्किट दिखता है तो देखते हैं अगर रिपेयर हो सकता है कि नहीं, नहीं तो फिर चेंज ही होगा। ये देखो पूरा गीला पड़ा है। गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, मैं निकल रहा हूँ नेहरू प्लेस के लिए। आई जस्ट होप कि आज डेटा मिल जाए, आज खाली हाथ ना आना पड़े। वैसे मेरी सुबह बात हुई थी भैया से, वो कह रहे थे कि शाम को 6 बजे पहुँच जाना बिना कॉल करे, आज मिल जाएगा। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। गाइज आई जस्ट स्पॉटेड एन ऑडी TT, लुक एट इट, लुकिंग ऑसम। Guys, look at the Audi. A few moments later. Oh my God, guys! I just spotted Lamborghini Urus. फाइनली नेहरू प्लेस पहुंच गया हूं, जाके देखते हैं अब डेटा मिलता है आज के नहीं। और भीड़ देखो यहाँ पे। गाइज इस टाइम बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8, मैं नेहरू प्लेस से निकल चुका हूँ। एक खुशी की बात सुन लो, डेटा मिल गया है वापस, रिकवर हो गया है। तो थोड़ी खुशी भी हो रही है एंड थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि पैसे बहुत लग रहे हैं। अब सोच रहा हूँ कि ये डेटा इतना वर्थ इट था, मतलब सच्ची बताऊँ तो मेरे 17,000 रुपये लग गए गाइस, और प्लस जो हार्ड डिस्क नहीं ली वो अलग 4,000 की। फाइनली घर पहुँच गया गाइस, एंड जैसे मैं गाड़ी में बता रहा था कि एक मिक्स फीलिंग है, समझ नहीं आ रहा दैट शुड आई फील हैप्पी और सैड, बिकॉज मेरे पैसे इतने लग गए हैं, 21,000 रुपीज़। प्लस इस हार्ड डिस्क में मेरा पर्सनल डेटा कुछ भी नहीं था, ये सारा यूट्यूब का डेटा है, इसमें सारी यूट्यूब की वीडियोज़ हैं। तो समझ नहीं आ रही कि क्या इस डेटा की वर्थ इतनी है दैट आई स्पेंड 21,000 रुपीज़। बिकॉज जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया दैट आई एम नॉट अर्निंग anything फ्रॉम YouTube राइट नाउ, और मेरे इसमें इतने पैसे लग गए हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहा हूँ, मिक्स फीलिंग है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अब आगे वीडियोज़ आएंगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज बहुत सारी मेहनत है इसके पीछे, बहुत पैसे भी लग रहे हैं, सो आई नीड योर सपोर्ट। Anyways, I'll catch you in the next video guys. Take care. Peace out.